हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुधा डबरा, वेलकम टू सुधास क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। ओके, क्वेश्चन फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट, और हमें इसमें भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और साथ में आगे के थ्री और टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, ये है A1, A2, A3 एंड A4। टोटल फोर टर्म्स हमें गिवन है और हमें ये पता करना है कि पहले फाइंड आउट करना कि ये एक एपी है या नहीं है। और एपी फाइंड आउट करने के लिए, कि ये जानने के लिए कि ये एपी है या नहीं है, हमें पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि डी फाइंड आउट करना है। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, और A2 है हमारे पास 0.22 और A1 है हमारे पास 0.2। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02। ओके, ये हमारे पास डी आ गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये एपी है या नहीं है, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, और अगर हमारा डी इसमें भी 0.02 आ जाता है, इसका मतलब ये एपी होगा। ओके, A3 माइनस A2। ओके, नाउ बी इक्वल टू A3 है हमारे पास 0.222 माइनस, और A2 है हमारे पास 0.22। डी इक्वल टू, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.002। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डी आया है हमारे पास 0.002 और यहाँ पे डी आया है 0.02। इट मीन्स ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो ये एपी नहीं है। तो डियर फोर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर, क्योंकि इसमें A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इस वजह से ये एक AP नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ का सेवेंथ पार्ट है, इसमें हमें गिवन है यहाँ पे एक सीक्वेंस और ये फाइंड आउट करना है ये AP है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, D फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इनको बता देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। क्लियर। ओके, नाउ डी फाइंड आउट करते हैं। तो डी होता है A2 माइनस A1। डी इक्वल्स टू A2 है हमारे पास माइनस 4, माइनस A1 है हमारे पास 0। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 ही होगा। ओके, ये दो डी आ गया। अब वेरीफाई करते हैं, तो डी इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, क्योंकि जो AP होता है उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है, वही हम देख रहे हैं कि अगर डी इक्वल आते हैं तो वो AP हो जाएगी। ओके, तो गिवन सीक्वेंस हमें AP होगा। तो A3 है हमारे पास माइनस 8, ये वाला माइनस ये है, और A2 है हमारे पास माइनस 4। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इस वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो नेगेटिव 8 है, पॉजिटिव 4 है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 4 आएगा। और इससे ये पता चलता है कि हमारे पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है। तो इसका मतलब दोनों डी जो हैं, जो हमने सॉल्व किए, वो इक्वल है। डी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम आगे के थ्री और टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। और AP का फॉर्मूला था AN इक्वल टू A+N-1 D। अब हमें पता है कि A1, A2, A3, A4, हमें फोर टर्म्स पता है, हमें कौन से टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, A5, A6 और A7। नाउ फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो A5 इक्वल टू A कितना है, 0 प्लस N क्या है, 5-1, एंड D कितना आया था, -4। ओके, देन A5 इक्वल टू 0 प्लस 5-1 इज 4, और 4 4 16, -16 हो गया। A5 इक्वल टू 0 प्लस -16, और A5 हमारे पास आया -16। ओके, यहाँ पर n जो है हमने 5 लिया था, क्या लिया था, n इक्वल टू 5 लिया था। अब हम n क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि हम अब हमें 6 टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, और इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, अब हम इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो A6 इक्वल्स टू A है हमारे पास 0 प्लस N है हमारे पास 6 माइनस 1 एंड D इज माइनस 4। देन A6 इक्वल्स टू 0, देखो 6 माइनस 1 इज 5 एंड 5 4 20, प्लस माइनस माइनस A6 इक्वल्स टू -20। हमने A6 भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 6 टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम 7th टर्म फाइंड आउट करते हैं। ओके, और इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे।
एन, एन कितना हमारे पास 7 इक्वल्स टू ए है हमारे पास 0 यहाँ पे देखो प्लस, और एन माइनस 1 एन है हमारे पास 7 तो 7 माइनस 1 एंड डी इज माइनस 4 तो ए 7 इक्वल्स टू 0 देखो 7 माइनस 1 इज 6 6 फोर ज़ा 24 और प्लस माइनस माइनस तो ए 7 हो गया हमारे पास माइनस 24 क्योंकि जीरो में से हमने माइनस 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 24 आया और दैट्स इट हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया है ओके और हमने तीनों जो आगे के जो तीन टर्म्स पूछे थे माइनस 16 आया है फिफ्थ टर्म आया है हमारे पास माइनस 16 सिक्स्थ टर्म आया है हमारे पास माइनस 20 और सेवन्थ टर्म आया है हमारे पास माइनस 24 और डी ये तो हमारे पास फिफ्थ टर्म है ये सिक्स्थ टर्म है और ये सेवन्थ टर्म है हमने तीनों टर्म्स आगे के फाइंड आउट कर लिए और डी फाइंड आउट करने के लिए बोला था और डी हमारे पास क्या है माइनस 4 इस तरह से हमारे क्वेश्चन फोर्थ का सेवन्थ पार्ट फिनिश हो गया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन फोर्थ का एट पार्ट है और यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दी गई है तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये एपी है या नहीं है उसके लिए हम डी फाइंड आउट करेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं हर इनके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का जो भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है इस मीन्स वो एपी है ये हमारे फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है ओके नाउ डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन होता है ओके नाउ डी इज इक्वल्स टू ए टू ए टू क्या है माइनस वन बाई टू फिर माइनस और ए वन क्या है माइनस वन बाई टू मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि नेगेटिव है ओके माइनस वन बाई टू माइनस माइनस इज प्लस वन बाई टू नाउ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है कैंसिल तो डी हमारे पास आया ज़ीरो अगेन अब हम डी किसका फाइंड करेंगे ए थ्री माइनस ए टू का फाइंड करेंगे और अगर ये भी ज़ीरो आता है इसका मतलब ये ए पी है तो ए थ्री कितना है हमारे पास माइनस वन बाई टू माइनस और ए टू भी हमारे पास माइनस वन बाई टू है तो देन डी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो डी कितना आ गया हमारे पास ज़ीरो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन सिक्वेंस इज एन ए पी हमें पता चल गया है कि जब कॉमन डिफरेंस इनके इक्वल आए हैं तो इसका मतलब ये ए पी है और हमें इसके आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और आगे के टर्म्स हैं वो ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन यानी कि फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म और सेवन्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास ए पी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ओके अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे यानी कि एन हम फाइव लेंगे और इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे ओके ए एन की जगह फाइव इक्वल्स टू ए ए कितना है माइनस वन बाई टू प्लस एन है फाइव माइनस वन और डी हमारे पास आया ज़ीरो ओके ए फाइव इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू प्लस फाइव माइनस वन इज फोर और फोर ज़ीरो द ज़ीरो हमारे पास ए फाइव आया है माइनस वन बाई टू अब हम एन सिक्स लेंगे यानी कि अब हमें सिक्स टर्म फाइंड आउट करना है तो यानी कि ए सिक्स इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले पे ए है हमारे पास वन माइनस वन बाई टू प्लस एन है हमारे पास सिक्स माइनस वन और डी हमारे पास ज़ीरो है ओके ए सिक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू प्लस सिक्स माइनस वन इज सेवन एंड सेवन ज़ीरो दस ज़ीरो और ए सिक्स हमारे पास आ गया माइनस वन बाई टू क्लियर बच्चों सिमिलरली अब हम एन क्या लेंगे सेवन लेंगे ओके नाउ ए सेवन इक्वल्स टू ए वन है हमारे पास वन माइनस वन बाई टू प्लस एन है हमारे पास सेवन माइनस वन और डी हमारे पास क्या है ज़ीरो देन ए सेवन इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू अब देखो सेवन में से वन गए सिक्स और सिक्स ज़ीरो तो ज़ीरो और प्लस प्लस ज़ीरो आ गया माइनस वन अपॉन टू प्लस ज़ीरो तो आंसर यही आएगा माइनस वन बाई टू ओके तो फिफ्थ टर्म भी माइनस वन बाई टू सिक्स्थ टर्म भी हमारे पास वन माइनस टू आया और एंथ टर्म भी हमारे पास माइनस वन बाई टू आया है और हमने आगे के जो थ्री टर्म्स थे वो फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आया माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू ये फिफ्थ टर्म है ये सिक्स टर्म है और ये सेवन्थ टर्म है और कॉमन डिफरेंस जीरो क्लियर और हमने क्वेश्चन फोर्थ का एट पार्ट फिनिश कर दिया अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ का नाइन्थ पार्ट हमें दे रखा है और हमें इसे फाइंड आउट करना है कि ये ए पी है या नहीं है तो ये हमारे पास ए वन है ये ए टू है ये ए थ्री है और ये ए फोर है ओके अब ए पी फाइंड आउट करने के लिए कि ये ए पी है या नहीं है पता करने के लिए हमें डी फाइंड आउट करना होगा तो ए टू माइनस ए वन डी इक्वल्स टू ए टू है थ्री माइनस और ए वन है वन तो डी हमारे पास आ गया टू ओके
अब हम फिर से d फाइंड आउट करेंगे a3 थ्री माइनस ए टू करके, a3 थ्री माइनस ए टू, d इक्वल्स टू a3 है हमारे पास 9 माइनस और a2 है हमारे पास 3 एंड d इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 6। तो देखो बच्चों, d यहाँ पे 2 आया, d यहाँ पे 6 आया, दोनों d इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन ए पी। क्लियर? इस तरह से हमने क्वेश्चन फोर्थ का नाइन्थ पार्ट भी फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन फोर्थ का टेंथ पार्ट, यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना है कि ए पी है या नहीं है। हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही हम बता सकते हैं कि ये एक ए पी है या नहीं है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन। तो डी इक्वल्स टू ए टू है 2a माइनस और ए वन है a, देन डी इक्वल्स टू 2a में से a सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास a आया। ओके, नाउ अब हम d फिर से फाइंड करेंगे लेकिन a3 माइनस a2 से। ओके, तभी तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो जिस वजह से ये एक ए पी है। तो ए थ्री है हमारे पास 3 माइनस ए टू है हमारे पास 2a, इनको सेपरेट किया तो ए आए, 3 में से 2 गए 1 और a। ओके, तो दोनों में हमने पाया कि d इक्वल आए, d दोनों में सेम है, तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, आगे की थ्री टर्म्स ऑफ फाइंड आउट करेंगे, वो कौन से हैं। वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तो दे ही रखा है, अब हमें फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करना है। और जैसे कि आप जानते हो ए पी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हम एन फिफ्थ टर्म लेंगे। ओके, अब इसी फॉर्मूले पे पुट करते तो ए फाइव इक्वल्स टू ए, ए कितना है, ए तो ए ही है, प्लस एन फाइव है माइनस वन और डी हमारे पास कितना आया, ए आया। ओके, ए तो ए फाइव इक्वल्स टू ए प्लस, फाइव में से वन गया फोर और फोर को ए से मल्टीप्लाई किया तो फोर ए, तो ए फाइव इक्वल्स टू, तो वही फोर ए है, ये ए है, तो कितना हो जाएगा फाइव ए। ना अब सिक्स टर्म फाइंड आउट करते हैं, ये फिफ्थ टर्म है, अब हम सिक्स टर्म फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो ए सिक्स इक्वल्स टू ए तो ए ही है, प्लस एन, एन कितना है सिक्स माइनस वन और डी भी हमारे पास ए आया। ना ए सिक्स इक्वल्स टू ए प्लस सिक्स माइनस वन इज़ फाइव एंड फाइव को ए से मल्टीप्लाई किया तो फाइव ए, देन ए सिक्स इक्वल्स टू, ये फाइव ए है, ये ए है, तो कितना हो गया सिक्स ए। अब हम सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास इसी फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, इसमें ए सेवन इक्वल टू ए तो हमारे पास ए ही है, फर्स्ट टर्म ए है, प्लस एन हमारे पास सेवन माइनस वन और डी भी ए है, तो ए सेवन इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इज सिक्स, सिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स ए, देन ए सेवन इक्वल टू, ये सिक्स ए है और ये ए है, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा सेवन ए। ओके, और हमने फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म और सेवन टर्म फाइंड आउट किया है, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आया है फाइव ए, सिक्स टर्म हमारे पास आया है सिक्स ए और सेवन्थ टर्म हमारे पास आया है सेवन ए एंड डी इज ए। ओके, क्लियर? और हमने क्वेश्चन फोर्थ का टेंथ पार्ट फिनिश कर दिया है।